सब्सक्राइब कीजिए बीटेक चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप पा सके लेटेस्ट टेक वीडियोस सबसे पहले। हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। मैं हूं बी और आज की टेक न्यूज और टेक टॉक्स में हम देखने जा रहे हैं एप्पल ने क्या लॉन्च कराया है, नोकिया की तरफ से क्या न्यूज आ रही है, क्या नोकिया इंडिया में आ रहा है, और कुछ जियोनी और एसटीसी की तरफ से न्यूज आ रही है। सो लेट्स चेक इट आउट। पहली न्यूज आ रही है एसटीसी की तरफ से। एसटीसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर U11 का टीजर डाला है और जैसे कि आप इस टीजर में देख सकते हो लॉन्च डेट 16 मई रखी है। तो देखेंगे कि U11 में क्या क्या फीचर्स आते हैं। अगली न्यूज जियोनी की तरफ से आ रही है। जियोनी की S10 की कुछ लीक इमेजेस निकल के आई है और डिजाइन के अकॉर्डिंग ये सेम आईफोन 7 प्लस की कॉपी है। जैसे कि आप डिजाइन में देख सकते हो सेम वही डुअल कैमरा सेटअप और फ्लैश लाइट दी गई है और एंटीना लाइंस भी ऊपर की तरफ कर दिया है। और अगर हम S10 के फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा होगा, 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा होगा, 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले होगी, 4GB रैम होगी और 64GB इंटरनल स्टोरेज होगी। और प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर मीडियाटेक का हीलियो P10 या P20 प्रोसेसर होगा और बैटरी इसके अंदर या तो 3700 mAh होगी या फिर 3450 mAh। तो ये थे S10 के कुछ फीचर्स। अब देखते हैं जियोनी स्मार्टफोन को प्राइस कैसे करता है और डिजाइन वाइज तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये आईफोन 7 प्लस की सेम कॉपी है। अगली न्यूज आ रही है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने अपना पहला MI होम स्टोर इंडिया में खोल दिया है और ये स्टोर बैंगलोर में है। बैंगलोर में आप कभी भी स्टोर से जाके ऑफलाइन प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो और ये प्रोडक्ट्स सेम प्राइस में मिलेंगे जो ऑनलाइन आपको मिलते हैं, पर हाँ अगर स्टॉक में हुए तो। ये स्टोर पब्लिकली ओपन हो जाएगा 20 मई को और यहाँ पर आप कभी भी जाके प्रोडक्ट खरीद सकते हो। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो आप बैंगलोर में जाके प्रोडक्ट खरीद सकते हो। शाओमी के अकॉर्डिंग MI जो है 100 और स्टोर्स खोलने वाला है इंडिया में, तो देखते हैं कि कब तक ये स्टोर्स खुल जाएंगे और क्या इनमें स्टॉक रहता है। अगली न्यूज गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल का कोई फोन है टेमन नाम से जिसके अंदर 4GB रैम है और उसका गीकबेंच 4 का स्कोर लीक होकर आया है, तो जिसका सिंगल कोर स्कोर है 1804 जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और मल्टी कोर स्कोर है 6248। अगली न्यूज Asus की तरफ से आ रही है। Asus ने अपना Zenfone Go इंडिया में लॉन्च कर दिया है जिसका प्राइस 8500 है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलता है हमें Snapdragon 410 और 2GB रैम, साथ ही साथ हमें मिलता है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर। और अगर बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 3000 mAh बैटरी है। हाँ ये उतना अच्छा फोन नहीं है, 410 काफी पुराना प्रोसेसर हो चुका है, 430 चल रहा है आजकल, जैसे कि Xiaomi के Redmi 3S या 3S Prime में हमें मिलता है या Redmi के 4 में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 430 इस टाइम लेटेस्ट प्रोसेसर है, 410 काफी पुराना प्रोसेसर हो चुका है, पर फिर भी देखते हैं फोन आता है कैसा परफॉर्म करता है और क्या इसका कस्टमर की तरफ से रिस्पांस आता है। अगली न्यूज एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल का जो आईफोन SE था जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, जो सेम 5S जैसा डिजाइन था पर स्पेक्स उसके 6S थे, उसका अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है आईफोन SE 2017 मॉडल। और जैसे कि आप इस लीक्ड इमेज में देख सकते हो ग्लास बैक इसमें दिख रही है। और प्राइसिंग की बात तो क्या करें, एप्पल तो रेट बढ़ाकर बेचने वाला है। अगली न्यूज है नोकिया फैंस के लिए। नोकिया का फोन लीक्स आ रहे हैं कि जून के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में, जो नोकिया 6 था, नोकिया 5 था और नोकिया 3 था और नोकिया 3310 था, जो ऑलराउंडर फोन है हमारा सदाबहार फोन। तो ये सारे फोन जो है जून के फर्स्ट वीक में लॉन्च होने के चांसेस है, पर अभी कंफर्म नोकिया की तरफ से नहीं हुआ है कि वो इंडिया में लॉन्च कब तक कर देंगे। तो ये थी आज की टेक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट टेक न्यूज और टेक अपडेट्स मिलते रहे जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।